वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बात करते हैं बेस्ट ईमेल ऐप फॉर एंड्रॉयड। ऐसा कोई ईमेल एप्लीकेशन जिसमें कि हम याहू, जीमेल या फिर अपना पर्सनल ईमेल आईडी जैसे कि contact@xyz.com या फिर contact@mybusiness.com या फिर रेडिफ मेल या फिर AOL मेल, इन सभी ईमेल्स को हम एक ही एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकें, यानी कि रिसीव कर सकें और फिर ईमेल भेज सकें। ऐसा बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, इसी के बारे में हम बात करते हैं। वैसे तो कई सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन हैं ईमेल्स वगैरह चेक करने के लिए, जैसे कि जीमेल के लिए अपना अलग है, याहू के लिए अलग है, AOL के लिए अलग है, रेडिफ मेल के लिए अलग है। इसके अलावा एक जो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है वो है आउटलुक, लेकिन आउटलुक में भी कई सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि उनमें इनकमिंग मेल सर्वर या फिर आउटगोइंग मेल सर्वर वगैरह डालना होता है और वो भी कभी कभी काम अच्छे से नहीं करता है। मैं भी इससे पहले आउटलुक ईमेल ऐप को ही इस्तेमाल करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ उसमें दिक्कत हो रही है, उसमें ईमेल वगैरह चेक नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके बाद मैंने रिसर्च किया और पाया जो बेस्ट एप्लीकेशन है फॉर टू चेक ईमेल, इट इज़ ब्लू मेल। प्ले स्टोर में जाते हैं और यहाँ टाइप करते हैं ब्लू मेल, BLUEMAIL, ब्लू मेल। ये देखिए मेरे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है, तो इसे मैं यहाँ से पहले ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसे ओपन किया और यहाँ देखिए कई सारे ईमेल्स आए हुए हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप अलग अलग ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स के आईडीज को एक ही एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं क्लिक करता हूँ सबसे ऊपर, तो यहाँ देखिए मेरा ऑफिस का ईमेल आईडी, मेरा जीमेल आईडी, यहाँ मेरे बेटे का स्कूल का ईमेल आईडी, इसके अलावा कई सारे पर्सनल ईमेल आईडीज मैंने ऐड किए हुए हैं। यहाँ देखिए ये जीमेल का है, फिर मैं जाता हूँ यहाँ अपने बेटे वाले में, तो यहाँ ये मेरे बेटे का स्कूल का सारा ईमेल आया हुआ है। तो ये काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है। और इसके अलावा जब हम यहाँ नीचे सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ देखिए सबसे राइट साइड में ये जो थ्री डॉट्स हैं, वहाँ आपको अलग अलग सेटिंग्स मिलेंगे। जब आप पहली बार इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो आपको सिर्फ अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देना है। इसके अलावा आपको कोई भी डिटेल्स जैसे कि इनकमिंग मेल सर्वर या फिर आउटगोइंग मेल सर्वर, पोर्ट, ये सारा कुछ भी नहीं देना है। आपको सिर्फ अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है और ये सारा सेटिंग्स अपने आप ही ले लेगा। इसके अलावा अगर आप ईमेल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए ऑप्शंस हैं, ग्लोबल अकाउंट्स, नोटिफिकेशन, सिग्नेचर वगैरह। तो यहाँ मैं अकाउंट्स में क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए जो मैंने पहले से ईमेल वगैरह ऐड किए हुए हैं वो सारा यहाँ है। यहाँ आपको नज़र आएगा लास्ट में ऐड अकाउंट, तो इस प्लस साइन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं जीमेल या फिर अपना कोई भी पर्सनल ईमेल आईडी जो कि आप अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि contact@mybusiness.com वगैरह। अगर आपका अपना वेबसाइट है और उससे रिलेटेड ईमेल है तो उसे भी आप इससे यहाँ इससे इस ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करते हैं हम इस थ्री डॉट्स पे, तो यहाँ से आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। हर ईमेल के बाद आपको बार बार थैंक्स एंड रिगार्ड्स, उसके बाद अपना नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार इस सिग्नेचर में ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप जब भी किसी ईमेल पे रिप्लाई करेंगे या कोई नया ईमेल टाइप करेंगे तो ये सिग्नेचर ऑटोमेटिकली हर ईमेल के एंड में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए ये हम जाते हैं अपने, मैं ऑफिस वाले अपने ईमेल में जाता हूँ और यहाँ ये जो बना हुआ आइकॉन, इस पर हम क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ जितने भी ईमेल्स वगैरह हमने भेजे हैं या रिसीव किए हैं उन सब की ईमेल आईडीज यहाँ ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे, तो ये एक एडवांटेज है। इसके अलावा अगर आपको नया ईमेल टाइप करना है तो ये बीच वाले आइकॉन पर क्लिक कीजिए, टू में टाइप कीजिए जिसे भी भेजना है, सब्जेक्ट में टाइप कीजिए। यहाँ देखिए मेरा सिग्नेचर पहले से आ गया है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, संतोष दास, मोबाइल नंबर वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा टास्क, आप इसमें टास्क भी ऐड कर सकते हैं डायरी की तरह। इसके अलावा ये थ्री डॉट्स तो हैं ही, और जैसे मैंने पहले बताया कि आप एक ही ऐप में अलग अलग ईमेल आईडीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया ईमेल एप्लीकेशन है फॉर एंड्रॉयड, फॉर आईफोन एंड इवन फॉर डेस्कटॉप। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आशा करता हूँ आपको ये एप्लीकेशन ज़रूर पसंद आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार एंड कीप लर्निंग।